उस्मानी है मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ, और स्वागत है मेहताब उस्मानी आपका भी। सबसे पहले मेहताब उस्मानी मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं, यूपी के बाद अब हरियाणा में भी मदरसों में राष्ट्रगान की बात, कोई आपत्ति इस पर किसी को है? बात मुझे बताइए, हिंदुस्तान में लाखों के हिसाब से स्कूल है, करोड़ों मुस्लिम बच्चे उनमें पढ़ते हैं, लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, क्या उन स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं गाया जाता या मुस्लिम बच्चे नहीं गाते? आप बताइए, सारे स्कूलों में मुस्लिम बच्चे, तो फिर अलग से क्या टारगेट बनाया जा रहा है कि नहीं जी मदरसों में क्या गावा है? आप कौन है हमें फोर्स करने वाले? आप ये बताइए हमें फोर्स करने वाले आप कौन है? अब आप मेरे घर में जाके मुझसे ये पूछेंगे कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, ये काम ऐसे करना होता है, वो ऐसा, आप हमें सिखाने वाले कौन है यार? आप ये बताइए क्या मुस्लिम बच्चे स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं गाते? बताइए कौन सा स्कूल है जिसमें मुस्लिम बच्चे राष्ट्रगान नहीं गाते? तो आप पर्टिकुलर मदरसों को टारगेट करके क्या साबित क्या करना चाहते हैं कि ऐसा करके आपको ज्यादा वोट मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी? कि मुस्लिमों को टारगेट करो सारे राज्य में जहाँ जहाँ आपकी सरकार है, कोई भी मुद्दा अननेसेसरी, अब ये मुद्दा कोई इस मुद्दे का क्या मतलब है? अननेसेसरी मुद्दा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अरे मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाता है नहीं गाया जाता है, वो मदरसों के ऊपर डिपेंड है। आप अंदर मदरसों में जाकर क्या छानबीन करना चाहते हैं? क्या कितने मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं? मेहताब उस्मानी, ये यही तो सवाल है कि गाया जाता है या नहीं गाया जाता है? जब आप खुद कह रहे हैं कि स्कूलों में बच्चे गाते हैं तो मदरसों में भी गाया जाता है नहीं जाता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। यूपी में नहीं गाया जा रहा था इसलिए उसको अनिवार्य कर दिया गया है, हरियाणा में मंत्री साहब ने खुद कहा है कि अभी हम जांच कराएंगे, ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, और अगर होगा तो हम यहाँ भी अनिवार्य करेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? आप एक बात बताइए, किसी का मन नहीं है चलो गाने का राष्ट्रगान बच्चे का किसी का, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? जबरदस्ती करेंगे उसके साथ, बच्चे के साथ, कि नहीं तू मदरसे का है तुझे गाना पड़ेगा? अरे देखिए ये तो एक बड़ा राष्ट्रभक्त का काम है, कि आराम से आप कहीं भी कैसे भी बैठ कर गा सकते हो राष्ट्रगान, उसमें कोई पर्टिकुलर जबरदस्ती थोड़ी होती है, किसी की मन से होती है, देशभक्ति दिल से होती है, कि जुबान से नहीं है, कि मुंह से कुछ। मेहताब जी सबसे पहले तो बैठ कर राष्ट्रगान नहीं गाया जाता है, ये आप स्पष्ट हो जाइए,